बीते सप्ताह कल्याण के रेती बंदर इलाके में बाढ़ ने जिस तरह से तबाही मचाई थी, उसे देखते हुए इस परिसर के लोगों को लेप्टोस्पायरोसिस और डेंगू मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारी होने का खतरा काफी हद तक बढ़ गया है। ऐसे में कल्याण पश्चिम बीजेपी के विधायक नरेंद्र पवार ने नागरिकों की संक्रामक बीमारी से रोकथाम के लिए मुफ्त आरोग्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण समिति के सदस्य जमशेद खान, बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग के कल्याण शहर अध्यक्ष जावेद सैयद के महत्वपूर्ण योगदान से बाढ़ में प्रभावित हुए गरीब नागरिकों के लिए मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। डॉक्टर स्वप्निल कुलकर्णी, डॉक्टर अंजुम सैयद, डॉक्टर शाहनवाज और अन्य डॉक्टरों की टीम ने लोगों की जाँच करके उन्हें संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए मुफ्त दवाइयाँ दी। बाढ़ के पानी में भीगने वाले सैकड़ों नागरिकों ने इस मुफ्त शिविर का लाभ लिया। बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश युवा सह प्रमुख वसीम काजी और यासर शेख ने भी शिविर की सफलता के लिए अपना योगदान दिया। बता दें कि 26 और 27 जुलाई को कल्याण के रेती बंदर में बाढ़ के कारण नागरिकों को भारी नुकसान सहना पड़ा। खाड़ी से सटा हुआ इलाका होने के चलते यहां के घरों में भारी मात्रा में पानी घुस गया था। उस समय भी विधायक नरेंद्र पवार, जावेद सैयद, जमशेद खान और अन्य बीजेपी के लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की काफी मदद की थी। विधायक ने नागरिकों के लिए खाने की व्यवस्था भी की थी। आश्चर्य की बात है कि सरकार की आपातकालीन सेवा से ये लोग वंचित रह गए थे। चंद्रकांत मोटे, जी वार्ता न्यूज। मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, खास करके उन लोगों के लिए जहां पर कुछ दिन पहले 27 तारीख को रेती बंदर गोविंदवाड़ी में बड़ी तादाद में बाढ़ आई थी और बाढ़ जब पानी वापस गया तब लोगों को बीमारी फैलने लग गई। तो आमदार नरेंद्र कुमार साहब उनके तरफ से ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है रेती बंदर में दारुल फला मस्जिद के पास। बड़े तादाद में लोग आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं और फ्री में दवाई दी जा रही है। डॉक्टर्स की टीम आई हुई है जिनमें डॉक्टर्स भी काफ़ी तादाद में सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरीके से ये काम का आयोजन किया गया है। पिछले 28 तारीख के दिन शुक्रवार के रात से रेती बंदर गोविंदवाड़ी में पानी काफ़ी तादाद में बढ़ चुका था। उसी मौके पर हमारे लाडले आमदार नरेंद्र पवार साहब को हमने कॉल किया और बताया कि पवार साहब यहाँ पर पानी काफी बढ़ चुका है और लोग घर से यहाँ फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालना है, उनके खाने की पीने की काफ़ी उनकी बंदोबस्त करना है, उनके रहने का इंतजाम करना है। कॉलोनी पवार साहब फोन करते ही 1-2 घंटे के अंदर खबर तो पाए, उन्होंने खाने का भी इंतजाम किया और साथों साथ पानी का इंतजाम किया। इसके बाद 2 दिन बीत गए मगर अभी तक KDMC वाले की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से वार्ड नंबर 34 में कोई भी अधिकारी यहां पर अभी तक देखने के लिए आया नहीं है, ना साफ सफाई के ताल्लुक से, ना दवाइयों के ताल्लुक से, ना MSCB के ताल्लुक से। मगर हमारे लाडले चाहिए आमदार कल्याण के MLA आमदार नरेंद्र पवार साहब ने वार्ड नंबर 34 रेती बंदर गोविंदवाड़ी के जो गरीब इलाके में जो लोग रहते हैं यहाँ पर एक मेडिकल कैंप आज 31 तारीख को दोपहर में 2 से शाम के 5 बजे तक मेडिकल कैंप का इंतजाम किया है और यहाँ पर हर किस्म की दवा यहाँ पर गरीबों में मुफ्त में बांटी जा रही है। खास करके जो पैरों में दर्द जो हुए लोगों को, खास करके छिपली आई है, ठंड बुखार मलेरिया और काफ़ी किस्म की जो तकलीफ यहाँ पर लोगों को हुई है, अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी दवा यहाँ पर आमदार नरेंद्र पवार साहब ने उपलब्ध की है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर पब्लिक मौजूद है और काफ़ी तादाद में डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 10 से 12 डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है और सभी डॉक्टर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने काफ़ी टाइम यहाँ पर उनका पेशेंट को सही तरीके से चेक करके अच्छे से सही दवाएँ दी है। आज यहाँ पर रेती बंदर इलाके में दारुल फला मस्जिद के पास एक मेडिकल कैंप लगाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इसका आयोजन हमारे जमशेद खान और जावेद सैयद इन्होंने भरपूर इस्तकबाल किया डॉक्टरों का और इधर साथ ही साथ यहाँ पर जो अभी तकरीबन 2 दिन पहले यहाँ पर बहुत पानी भर चुका था उससे लोग बहुत इफेक्टेड हुए। पानी भरने की वजह से लोगों के घरों में पानी गया और उससे कई बीमारियाँ फैली और बीमारियाँ फैलने से लोगों में लोग एक तरफ से बीमार हो गए और उसी की वजह से यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ यह आयोजन। नरेंद्र पवार
एमएलए यहाँ के हमारे चाही से और उनकी तरफ से आयोजन रखा गया और यहाँ पर लोगों के साथ लोगों को इसी तरह से इसकी हेल्प हुई। यहाँ पर उसका बहुत ही बहुत लाभ हुआ। यहाँ पर जितने भी बीमारी फैली हुई थी उसकी वजह से लोग कितने बीमार हो चुके थे और यहाँ पर भारी तादाद में पेशेंटों ने इसका फ़ायदा उठाया।